मैं उसकी आपको बधाई देता हूँ आजादी की। लेकिन ये आजादी आपकी असली आजादी अब मिली है। पहले जो आजादी थी उसमें एक प्रधान तो हो गया था लेकिन निशान दो थे, एक झंडा हमारा और एक जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा। एक एक देश में दो एक प्रधान और दो निशान हो तो कैसा लगेगा, और दो विधान यानी भारत का भी संविधान और जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान, धारा 370, संगम विहार में कश्मीरी आकर जमीन खरीद सकते हैं लेकिन संगम विहार के क्या नाम है अपने अध्यक्ष जी का सलीम साहब भी, ये मौलाना साहब को भी कश्मीर में जमीन खरीदने का कोई अधिकार नहीं था, अब दे दिया है आप ले सकते हैं, थोड़ा संगम बिहार का लोड घटेगा। ऐसे कितना बड़ा काम हुआ, हिम्मत चाहिए, छाती चाहिए। कांग्रेस के लोग कहते थे ये मोदी, हम लोगों को चिढ़ाते थे डिबेट, कहते थे आप लोग बोलते हो धारा 370 हटाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कब हटाएंगे। हमने कहा लो हटा दिया, ऐसे हटा कि आपको भी लगा हटा कब, मोदी है तो मोदी है। और ये हटाने के लिए कितने इंच की छाती चाहिए, 56 इंच की। और देखिए क्या हालत हो गई, ये हमारा मुल्क है, यहाँ हिंदू और मुसलमान सब मिलकर रहते, आजादी के बाद जिनको जाना था मुल्क को छोड़कर वो चले गए, जिन्होंने धर्म के नाम पर बंटवारे को कबूल किया वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन मैं हूँ, सलीम साहब हैं और लोग हैं, जो मुसलमान भारत में रह गए उन्होंने इस भारत को अपनी सरजमी माना, मादरे वतन माना, ये मान के रहे कि जिंदा हैं तो इसी मुल्क में और मरेंगे तो मरने के बाद भी इसी मुल्क की मिट्टी इसी वतन के खाक में मिल जाएंगे, ये मानकर। ये हमारा मुल्क, पूरे दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा। अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, चार दीवार का नमूना तो यही दिखने को मिलता है। क्या है केजरीवाल साहब, उम्मीदों पर झाड़ू फेरा आपके, उन्होंने उम्मीदों पर